morning students, I welcome you on to the online classes of SGUI. So in the last class we have discussed up to question number 3 of exercise 1C. Today we will be looking into the further questions, that is from question number 4. Okay. So before moving to question number 4, मैंने आपको पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसको मैंने बोला था कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? जब भी a into b is equal to b into a हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा दिया हो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसे आप बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में डिफरेंस क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो इंटीजर्स के लिए यूज होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी तीन इंटीजर्स के लिए यूज होती है. इसमें क्या किया गया, a into b का पहले मल्टीप्लिकेशन किया गया, जो आंसर आया उसका c से मल्टीप्लाई किया गया. अगर ऐसा करें और अगर ऐसा करें कि पहले b into c का मल्टीप्लाई करें, जो आया उसका a से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आपके पास आंसर इधर से जो आता है वही आंसर यहां से आता है. इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक प्रॉपर्टी है जिसे आप बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं. जो होता है आपका a इंटू बी प्लस सी. अभी इस तरीके से दिया हो आपके पास, पहला लिखा फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, या दो इंटीजर्स हो जो प्लस हो रहे हो, तो इसका होता है आपके पास a इंटू बी प्लस a इंटू सी. a का मल्टीप्लाई b से होगा, देन प्लस a का मल्टीप्लाई ही c से होगा, दैट इज a इंटू सी. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Question number 4. अब इसमें आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन निकालना है. क्वेश्चन निकालना मतलब डिवाइड करना है. तो फर्स्ट पार्ट है 28 डिवाइड बाय 7, 28 डिवाइड बाय माइनस 7. ठीक है, बोला गया 28 डिवाइड बाय माइनस 7. ठीक है, तो जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लिखे थे वैसे डिवीजन के लिए भी लिख लेंगे. अगर कभी भी ऊपर पॉजिटिव हो नीचे डिवाइड हो रहा हो नेगेटिव, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. ठीक है, ऊपर नेगेटिव हो नीचे पॉजिटिव हो डिवाइड करें तो भी आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. ये भी नेगेटिव हो डिवाइड करें नेगेटिव नंबर से तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव है और डिवाइड करें नीचे नंबर जो पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आता है. ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना है कि अपोजिट साइंस होंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, सेम साइंस होंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. चलिए इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि आंसर हमेशा नेगेटिव ही आने वाला है. Because positive और negative opposite signs हैं तो answer कैसा आएगा? Negative आएगा. अब 28 से हम divide करेंगे कितने times आएगा? 4 times में, तो answer would be minus 4. ठीक है? So I hope you have understood this. चलिए fifth part इसका देखते हैं. In fifth part is written 0 divided by minus 2. दिखा है 0 divided by minus 2. इसका मतलब है 0 upon minus 2. और आप जानते हो कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है. ठीक है, चलिए लेट्स डू वन मोर पार्ट, पार्ट नंबर 6. इन पार्ट नंबर 6 इट इज गिवन -12 डिवाइड बाय माइनस, दिस विल बी -12 अपॉन -12. नेगेटिव नेगेटिव साइन है, सेम साइन है, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा. और 12 से 12 कैंसिल होगा 1 टाइम्स, तो आंसर विल बी प्लस 1. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट राइट ऑल द इवन इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 11. तो -4 एंड 11 के बीच में जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो सब आपको लिखने हैं. तो -4 के बाद दूसरा, अगर 11 की तरफ बढ़ूंगा मैं तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा. फिर -4 -1 इवन होता नहीं है, 0 0 भी इवन नहीं होता, फिर क्या मिलेगा, +2, देन +4, देन +6, देन +8 और फिर +10. तो अगर बात करें -4 और 11 के बीच में, तो ये इंटीजर्स हैं जो कि इवन हैं और -4 से -11 के बीच में हैं. ठीक है, सिमिलरली आप पार्ट नंबर 2 भी कर लेंगे. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग, राइट ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 7. -1 एंड 7 के बीच में जितने भी आपके पास ऑड इंटीजर्स हैं वो लिखने. ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते. तो -1 से पॉजिटिव तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0. 0 ना ही ऑड है ना ही इवन, तो लिख नहीं सकते. फिर क्या मिलेगा, 1. फिर नेक्स्ट ऑड क्या मिलेगा, 3. फिर नेक्स्ट ऑड 5 और फिर 7 मिलेगा. 7 तो इंक्लूड नहीं करना है कि उसके बीच में लिखनी है आपको. तो आंसर वुड बी आंसर वुड बी 1, 3, and 5. दीज आर द ऑड इंटीजर्स व्हिच आर बिटवीन -1 एंड 7. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 इज सेइंग दैट राइट 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स सक्सीडिंग -21. -21 से बड़े, सक्सीडिंग मतलब होता है बिगर, -21 से बड़े लगातार 5 इवन इंटीजर्स आपको लिखने हैं. तो -21 से बड़ा नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपके पास, -20. उसके बाद -19, लेकिन वो इवन नहीं है, तो नेक्स्ट होगा -18. सिमिलरली फिर होगा -16, फिर -14 और उसके बाद आपके पास -12. तो -21 से बड़े consecutive 5 even integers कौन से होंगे, -20, -18, -16, -14 and -12. ठीक है, तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि अब आपको लिखने हैं consecutive odd integers preceding -36. ठीक है, preceding -36 का मतलब है कि -36 से छोटे और साथ ही साथ odd. तो -36 से छोटा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -37. ठीक है, और ये ऑड भी है. नेक्स्ट क्या होगा, -30 है, लेकिन वो ऑड नहीं है, तो नेक्स्ट बनेंगे -39 होगा, देन -41 होगा, देन -43 होगा और लास्ट में -45. ठीक है, दीज आर द 5 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स व्हिच आर प्रीसीडिंग -36, दैट इज -36 से बड़े नेक्स्ट. तो -36 से छोटे जो नेक्स्ट 5 इंटीजर्स हैं दे आर